प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 3 वर्तनी शोधन। तो वर्तनी को अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं। तो किसी भी शब्द की ध्वनि में वर्णों व मात्राओं का एक निश्चित क्रम होता है। वर्णों व मात्राओं के इसी निश्चित क्रम को वर्तनी या स्पेलिंग कहते हैं। तो बच्चों, प्रायः देखने में आता है कि मात्राओं की जो ध्वनि है उसका सही तरीके से उच्चारण ना हो पाना, शब्दों में या शब्दों को लिखने में अशुद्धियाँ हो जाती है। और कुछ नियम होते हैं जिनको हमें देखना होता है, उनको समझना पड़ता है और उन नियमों को जानकर हम वर्तनी सीख सकते हैं, सही वर्तनी जान सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नियम हैं, आज हम इन कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें। इसमें नियम नंबर 1 है, आ उ तथा आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह, ये जो चंद्रबिंदु है, को इसी चंद्रबिंदु के रूप में लिखा जाता है। तो जो भी आ उ और आ मात्रा वाले जो वर्ण होंगे उनमें चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जैसे जांच, आँख, कांच, सांस, ऊंट, सूंड आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो आ उ और आ मात्रा वाले हैं, इनके ऊपर हम चंद्रबिंदु ही लगाएंगे। परंतु अन्य मात्राओं के साथ अनुनासिक चिन्ह, जो अनुनासिक चिन्ह है ये, को अनुस्वार, जो अनुस्वार है ये, के रूप में लिखा जाता है। तो आ उ आ, इनके ऊपर तो चंद्रबिंदु लगेगा, इन मात्राओं वाले जो वर्ण होंगे, लेकिन इसके अलावा आ उ और आ के अलावा जो अन्य मात्रा वाले होंगे, ई ए ओ, इस प्रकार के जो वर्ण होंगे उनके ऊपर अनुस्वार लगेगा। ये जो आप अंग की मात्रा जिसको बोलते हैं अनुस्वार, तो जैसे सिंचाई, नहीं, ईंट, क्योंकि आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो आ उ आ से अलग हैं। तो बच्चों, नियम नंबर 2 है विसर्ग। विसर्ग है ये जो दो बिंदु दिख रहे हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के पश्चात शा सा शा आए तो या तो विसर्ग को यथावत लिखा जाता है या उसके स्थान पर अगला वर्ण अपना रूप ग्रहण कर लेता है। या तो विसर्ग के पश्चात ये सा शा सा, ये 3 सा आती हूँ, या तो ये इससे पहले अगर विसर्ग आएगा तो या तो विसर्ग वैसे वैसे लगेगा, या विसर्ग नहीं लगाएंगे तो ये कर्म सा जैसा भी शब्द होगा, ये सा, इन सा के नाम है तालब्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ये 3 सा हैं, इन सा को यथावत लिखा जाता है। जैसे देख लीजिए, दुह धन शासन, तो ये विसर्ग है, इसको हम लिखेंगे, या तो आप ऐसे लिखेंगे, दू लिखेंगे फिर विसर्ग लगाएंगे फिर शासन लिखेंगे, ये भी सही वर्तनी है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर विसर्ग नहीं लगाते हैं तो ये विसर्ग अपने जो आगे वाला सा है, वो सा कोई सा भी हो इन तीनों में से, तो उसका रूप ले लेता है, जैसे हो गया दुशासन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। दूसरा उदाहरण है निह धन संदेह, इसमें विसर्ग है, ये दो बिंदु दिख रहे हैं आपको, और यह निह धन संदेह, या तो आप ऐसे लिखेंगे या ये जो विसर्ग है ये इस साम का रूप ले लेगा, निसंदेह। तो ये नियम नंबर 2 था। बच्चों, ये नियम नंबर 3 है, अधिकतर रा के प्रयोग में अशुद्धि होती है जब रा किसी अक्षर के ऊपर लगा हो तो वह उस अक्षर से पहले
पढ़ा जाएगा। तो ये रा संबंधी अशुद्धि है, वर्तनी है। तो अधिकतर रा के ऊपर प्रयोग में अशुद्धि होती है, और जब रा किसी अक्षर के ऊपर लगा हो तो वह उस अक्षर से पहले पढ़ा जाता है। जैसे देख लीजिए, यह है, ये अशुद्ध है, निमार्ण। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी अक्षर के ऊपर लगा हो तो उस अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? निर्माण, निर्माण। अगर आप इसको अलग भी लिखेंगे तो नी लिखेंगे, फिर रा लिखेंगे, फिर मा लिखेंगे, अणा लिखेंगे, क्या हो गया? निर्माण। तो शुद्ध रूप ये है, हम पहले पढ़ेंगे निर, रा पहले पढ़ा जाएगा, निर्माण। दूसरा देख लीजिए, इसमें है, इसमें लिख आर सिवाद आ रखा है, तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले पढ़ा जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो बच्चों, आज हमने ये वर्तनी से संबंधित तीन नियम पढ़े, और सभी बच्चे इन नियमों को जरूर इनका अभ्यास करेंगे, और इन नियमों से संबंधित ऐसे और कई उदाहरण अपनी तरफ से करने का प्रयास करेंगे।